गावड़िया साहब कहते हैं कि मैं परमेश्वर विधानसभा का बाप हूँ। जिस विधायक को हमने 5 साल पहले जीता के भेजा था, वो 2 साल बाद में परमेश्वर का बाप बन गया। ये जनता ना बाप से बेटे पे ला सकती है कि जो कांग्रेस विधायक है उसकी जमानत जब्त हो रही है परमेश्वर से, उसको फोबिया हो गया मान सिंह जी का। राहुल गांधी इटली में लॉन्च होगा, भारत में तो मोदी रहेगा। मोदी मोदी गाली मोदी, महागठबंधन होगा आपकी बार तो लॉन्च हो जाएगा। योगी सरकार राजस्थान में भी योगी सरकार। फॉर्चुनर में बैठ के जाएंगे कांग्रेस के विधायक, विधानसभा में एक फॉर्चुनर चाहिए उनको। इतनी सीटें आएगी केवल, 20-22 सीटें आएगी इनकी। अशोक गहलोत कह रहे 200 आ रही है। अरे अशोक गहलोत साहब का ये जो कुशासन है राजस्थान में, 20 पेपर लीक 5 साल में, पिछले 5 साल में 20 पेपर लीक। युवाओं के महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं और इस परमेश्वर विधानसभा में जनता त्रस्त है। एक एक गाँव में कई MLA बन के तैयार बैठे हैं। जनता के साथ में उन MLA से पहले जाके मिलो। विधानसभा रामनिवासी गावड़िया बाद में मिलते हैं। पास में अपने राणासर गांव दलित लोगों की लाशें नहीं मिली, उनको कुचल के मार दिया गया और MLA साहब वहां तक बैठने नहीं जाते हैं। हमारे यहां बकरी में एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करने जाते हैं। हॉस्पिटल के उद्घाटन में गावड़िया साहब कहते हैं कि मैं परमेश्वर विधानसभा का बाप हूँ। जिस विधायक को हमने 5 साल पहले जीता के भेजा था, वो 2 साल बाद में परमेश्वर का बाप बन गया। ये जनता ना बाप से बेटे पे ला सकती है और इस बार मान सिंह जी प्रचंड जीत के आएंगे। और परमेश्वर में आज तक रिकॉर्ड है, 17,000 से ज्यादा कोई विधायक नहीं जीता, वो रिकॉर्ड मान सिंह जी तोड़ेंगे और 30,000 प्लस वोटों से जीत के आएंगे, मैं अभी कहता हूँ। और जनता बाप को जवाब दे रही है आपकी बात, बिल्कुल बाप को जवाब दे रही है और बाप की जमानत जब्त होगी इसमें, इस परमेश्वर विधानसभा में जमानत जब्त करके भेजेंगे हम। इस बार 3rd नंबर पे जा रहा है गावड़िया साहब, 3rd नंबर पे जाएगा और 30,000 वोटों से हारेंगे। गहलोत कह रहे हैं बीजेपी का तो सफाया हो जाएगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। गहलोत साहब का खुद का घर का ही पता नहीं है, जैसे अभी अमित शाह ने जिक्र किया था, वो लाल डायरी का है जिसमें काले कानून है, जिस एक मंत्री को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया, उन गहलोत साहब को खुद का ही पता नहीं है। उसकी खुद की पार्टी मानेसर जाके बैठ जाती है, उस पार्टी के खुद के टुकड़े हो रहे हैं और ऊपर से बात करते हैं कि बोले जीत के आएंगे हम, वो जैसे इनके खुद की पार्टी ये बात बताती है। और सीधी सी मैं बता रहा हूँ कि केवल 20 या 22-25 MLA आएंगे जिनके लिए एक फॉर्चुनर काफी है। एक ही फॉर्चुनर में? बिल्कुल, एक फॉर्चुनर में विधानसभा जाएंगे, मैं अभी कह रहा हूँ। और परमेश्वर की बात है, आपने देखा है अभी जनसैलाब, ये जनसैलाब कहीं किराए से मंगाया हो नहीं है। जैसे अभी 4 दिन पहले कांग्रेस विधायक के नामांकन रैली थी, उस नामांकन रैली में देखा था कि परमेश्वर की जनता बता रही थी मसूदा से लोग आए हैं, नसीराबाद से लोग आए हैं, पुष्कर से लोग आए हैं, किशनगढ़ से लोग आए हैं। अरे वो भाड़े के आदमी नहीं चाहिए, ये जनता का प्यार है, ये मान सिंह जी के साथ है जिसने 10 साल परमेश्वर में विकास किया था। ऐसे ऐसे माहौल, ऐसे मान सिंह, कांग्रेस विधायक है उसकी जमानत जब्त हो रही है प्रोफेसर से, उसको फोबिया हो गया मान सिंह जी का। मान सिंह जी सपने में आते हैं और फोबिया हो गए, डर के भागते हैं। यहाँ पर एक एक गांव में ऐसा कुशासन ला दिया यार, एक एक गांव में कई MLA तैयार कर दिए, एक एक गांव में जाके जैसे मैं बता रहा हूँ कि विधानसभा में कई जगह रोडे आप देख लो, रोडे जानवरों के चलने से फूट जाती है। अमित शाह जी कह रहे हैं कांग्रेस वाले हैं राहुल को लॉन्च करने में लगे 20 साल से, इधर गहलोत भी अपने बेटे को लॉन्च करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल लॉन्च कर रहे हैं, और राहुल गांधी कभी लॉन्च होगा भी नहीं ये अभी। अरे जिसने जिस पार्टी ने धरा जिस हिंदू राष्ट्र ने भगवान राम को दिया है, राम को एक स्थान दिया है, रही बात धारा 370 जो एक ही देश में 2 देश बन के बैठे थे, जम्मू कश्मीर का अलग फ्लैग हुआ करता था, झंडा हुआ करता था, उसको हटाने का काम किया है। एक मैं गांव में जाता हूँ, मैं पिछले प्रचार में भी गया था, महिलाएं कहती है कि बोला है ना मैं बच्चे को गोद में रखूं या रोटियां बनाऊं, ऐसे गैस सिलेंडर देने का काम किया है महिलाओं को मोदी गवर्नमेंट ने। और रही बात
गांव में हर गांव में घर घर शौचालय निर्माण किए। अमित शाह जी कह रहे कांग्रेस वाले पूछते थे राम मंदिर कब बनाओगे, अब तो तारीख का भी ऐलान हो गया 22 जनवरी। बिल्कुल तारीख का और ऐलान हो गया और परमेश्वर विधानसभा से अपने लोग अपने दम पे कम से कम 10-20 बसें भर के उस दिन जाएंगे वहाँ पे अयोध्या में जाएंगे। इस जो सनातन धर्म का है, इस सनातन धर्म के लिए भगवान राम से बड़ा कोई हो नहीं सकता। ऐसे को इस भ्रष्टाचारी कांग्रेस ने 70 साल तक कुछ नहीं किया, एक तंबू में बिठा के रखा और आपने देखो कितना भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है अयोध्या में। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट के काम है। मैं तो गांव में एक एक आदमी से जाके पूछो आप कि क्या क्या काम किए हैं। महिलाओं को आप तो क्या पता कहाँ से बिलोंग करते हो मुझे नहीं पता, पर गांव की महिलाओं को कई ऋतुओं में ऐसा होता है कि बोले सुबह सुबह शौच क्रिया में दिक्कतें होती थी, उनको शौचालय देने का काम किसने किया है, वो बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है। और राजस्थान में आए दिन हजारों की संख्या में महिलाओं के साथ रेप होते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, गांव में चलते छेड़खानियाँ होती है, यहाँ के दलित सुरक्षित नहीं है। परमेश्वर विधानसभा की बात कर ले, यहाँ दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, यहाँ के लाल की हत्या हो गई उदयपुर के अंदर, कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, पूरे राजस्थान में यही हालत है। मैं आपको परमेश्वर विधानसभा की बात बताऊं कि इस परमेश्वर विधानसभा में दो दलित भाई मेघवाल समाज के, उनकी लाशों पर कम से कम आपराधिक तत्व 20 लोगों ने गाड़ियां कुचल कुचल कर उसकी उनकी लाशों को घर वालों के पहचानने लायक नहीं छोड़ा, एक मांस का टुकड़ा बना दिया। और हमारे विधायक महोदय, अरे सांत्वना देना तो दूर की बात है, हम किसी व्यक्ति को जाके घर बैठने जा सकते हैं, जिसको अपनी मारवाड़ी भाषा में कहते हैं बीड़ी पीड़वा जवा, वहाँ तक 12 दिन में ये परमेश्वर का रामनिवास गावड़िया, सांत्वना देना तो दूर की बात है, उनके बैठने तक नहीं गया। उसके बाद में विद्याद हॉस्पिटल का उद्घाटन करने जाते हैं, उसमें दलित महिलाएं काले झंडे दिखाती है, जो लोकतंत्र में हक होता है, यदि गलत होता है तो हक होता है, काले जवाब दिया जाएगा, बिल्कुल जवाब दिया जाएगा और जमानत जब्त करके भेजेंगे। मैं परमेश्वर से जो कांग्रेस विधायक है रामनिवास गावड़िया, उसकी जमानत जब्त होगी। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी की विदाई कर देंगे, उसकी तो खुद की विदाई हो रही है, उसकी खुद की विदाई हो रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी झूठ बोल रहे हैं, वो खुद झूठा है, वो खुद झूठा है। क्या 11,000 लाइन उठाएंगे, 7 दिन में प्लाडा माया था, 4 साल हो गई इतना तार नहीं उठा इससे, इस गावड़िया से। तो क्या दिखाई दे रहा है आपकी बार, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी झूठ बोल रहे हैं, अमित शाह कह गए सेमीफाइनल राजस्थान से होना है, फाइनल 24 में है। अमित शाह जी बिल्कुल सही बोल के गए हैं, पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार राजस्थान में और पूरे भारत में आएगी, पूर्ण 200 में से 2/3 बहुमत राजस्थान में आएगा। मानसिंह जी किंचरिया 2/3 बहुमत से यहाँ से भी जीतेंगे और यहाँ के विधायक की वर्तमान विधायक की जमानत जब्त होगी। आज तक कई गांवों में तो विधायक जी गए भी नहीं है, विकास के नाम पर बिल्कुल सुनने और भ्रष्टाचार चरम पर है आज के। अमित शाह जी कह रहे हैं कि राहुल लॉन्च होने में 20 साल लग गए, इधर गहलोत के लड़के को भी लॉन्च करने में लगे हुए हैं, तो इसमें कौन सी गलत बात बोल रहे हैं। हाँ। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, आज तक राहुल गांधी जब जहाँ भी गए हैं वो भाजपा के लिए कार्य कर रहे हैं। तो 24 में लॉन्च हो जाएंगे, नहीं होंगे, नहीं हो पाएंगे, सपना देख रहे हैं, नहीं होंगे पप्पू, विरोध जिता देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को बिना किसी विरोध के जिता देना चाहिए, इसी में पूरे देश की और परमेश्वर विधानसभा की भलाई है। बाकी अगर इस ये अगर कांग्रेस जैसे हमारे यहाँ पे विधायक आएंगे तो सर हमें क्या रोजगार देंगे, हमें क्या सीखने को मिलेगा, जो आज क्या नाम ये अपने पेपर लीक प्रकरण को लेकर ले लो, या फिर विद्यार्थ में जाते, अभी विद्यार्थ में हमारे ये हॉस्पिटल का कोई प्रोग्राम था, वहाँ पे कोई उद्घाटन, कह रहे हैं कि युवाओं के लिए एग्जाम तो कराए, सारे पेपर लीक हो गए, बिल्कुल हो रहे हैं सर, बिल्कुल हो रहे हैं, सारे पेपर लीक हो रहे हैं, एक छापा मार रही है तो गहलोत कह रहे कि मोदी डर गए, नहीं बिल्कुल मोदी क्यों डरेंगे, मोदी कहीं भी गलत है ही नहीं सर, मोदी की अगर मोदी गलत होते तो ये कब तक ही, ये तो कब के ही जांच करवा देते होते, कांग्रेस ही कम थोड़ी है, कांग्रेस ही ने पूरी कोशिश कर ली मोदी को नीचे बिठाने की, पर मोदी सत्यवादी सत्यता पे रहा है, मोदी कभी हार नहीं मानेगा, कांग्रेस में कोई दम नहीं रहा है सर, कांग्रेस को हार मान के घर पे बैठ जाना चाहिए, फालतू पैसा खर्च कर रहे हैं चुनाव के अंदर, कोई मतलब नहीं है। सचिवालय में 2,50,000 रुपए एक किलो सोना मिल रहा है, हाँ, किसका है वो तो सर कांग्रेस को जाके पूछना चाहिए आपको।
जादूगर जादूगर जनता का पैसा जनता का पैसा। सुनिए मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। चिताई के अंदर, चिताई के अंदर बच्चों के लिए खेल ग्राउंड था, उसको कांग्रेस ने पूरा खराब कर दिया, आपको सबूत के साथ कह सकता हूं मैं। वो पैसा किसका है वो जो वहाँ सचिवालय में पैसों की बात जवाब दे रही है आपकी बार। नाती का भाड़ा मोदी 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 चिताई में, चिताई में लाल डायरी, लाल डायरी। गहलोत को पूछो लाल डायरी क्या है, उसको पूछो गहलोत को, जवाब देना पड़ेगा यहाँ। अरे सर ये तो अपनी पार्टी के ही नहीं है, हमारे कब के होंगे, अपने ही नेता को भगा दिया, लाल डायरी उनके पास में पड़ी है, उनसे पूछना चाहिए कि वो लाल डायरी का क्या हिसाब है। आज दिन तक उनकी उस बात पे कोई चर्चा नहीं हुई, कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता ने आके कोई बात नहीं की उस पे। बाबूजी क्या क्या माहौल दिखाई दे रहा है? मैं कहता हूँ मोदी जिंदाबाद है, जिंदाबाद है। ढाई लाख एक किलो सोना किसका है? वो तो गहलोत साहब का है। राहुल गांधी लॉन्च हो रहे 20 साल से, हो पाएंगे? राहुल गांधी इटली में लॉन्च होगा, भारत में तो मोदी रहेगा। मोदी मोदी गाली मोदी। महागठबंधन हो गया, अबकी बार तो लॉन्च हो जाए। खत्म, इटली में लॉन्च है, भारत में तो मोदी के अलावा कोई नहीं है, खाली मोदी। 24 में मोदी मठ में चले जाएंगे प्रधानमंत्री राहुल गांधी। नहीं नहीं मोदी रहेगा, खाली मोदी है, मोदी मोदी के अलावा कोई नहीं है, खाली मोदी। कांग्रेस बार बार पूछती थी कि राम मंदिर की तारीख बता दो, अब तो ऐलान हो गई, बता दी तारीख। भाई राजस्थान में योगी सरकार, योगी सरकार, योगी सरकार, राजस्थान में भी योगी सरकार। पहले बुलडोजर बाबा, ये राजस्थान में बुलडोजर बाबा। जनवरी आज अमित शाह बता के गए हैं, ये कांग्रेस पूछती थी मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, आज तारीख भी बता दी और उद्घाटन मंदिर भी बन गया है और 22 जनवरी को दीपावली मनाएंगे, 22 जनवरी को हम दीपावली मनाएंगे, 3 दिसंबर को दीपावली मनाएंगे, राजस्थान में सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बहुमत से आएगी और इस बार आज अमित शाह ने कह के गए हैं और राजस्थान वासियों को पूरा पूरा मौका, 3 बार दीपावली, 3 बार पटाखे फोड़ने, 3 बार मिठाई बांटने का मौका मिलेगा। सबसे पहले दीपावली में तो पटाखे वालों को तो पुलिस पकड़ के ले जा रही है, यहाँ पर भव्य दीपावली बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ कोई नहीं रोकता है। दिल्ली में भ्रष्ट सरकार बैठी है, जो केजरीवाल बेटा है वो सारा माल, ये जो केजरीवाल सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, चोर है, चोर है, चोर है। ये जो दिल्ली में भ्रष्टाचारी सरकार बैठी है, जो आया था सीधे साधे कपड़े पहन के, सीधा साधा भोला भाला मारुति 800 लेके आज करोड़ों का बंगला लेके बैठा है, उससे बड़ा चोर कोई नहीं बैठा है, जिसके पर्दे में करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। इसलिए यहाँ दीपावली मनेगी, 3 बार मनेगी और आराम से मनेगी। सारे इकट्ठे होकर के कह रहे मोदी की विदाई कर दो 24 में, ये चोर अपने बूढ़े बुजुर्ग कह के गए चोर चोर मोसेरे भाई, तो वो सारे चोर चोर इकट्ठे होके और मोदी को हटाना चाहते हैं, मगर मोदी की जो जनता, जो एक एक जनता जो मोदी के साथ है, वो कभी भी मोदी को नहीं हटाने देगी। जब तक हमारी सांसें रहेगी तब तक मोदी रहेगा। मोदी ईमानदार है, न खाएगा न खाने देगा। ये कांग्रेस सरकार कैसी थी? अभी 5 साल में 3 कट दिए, ये 5 साल निकाल दी। मोदी कितने साल से गेहूँ दे रहा है? ये गरीब जनता है ना, ये उसके लिए मर जाएगी। कभी देखा कांग्रेस के राज में? सुनो।